उत्तराखंड के पौड़ी में पिछले कई दिनों से गुलदार का आतंक फैला हुआ था। इसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। बता दें कि वन विभाग की टीम ने सुबह 5 बजे गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद में गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया है, जहां मेडिकल के बाद गुलदार को घने जंगलों में छोड़ा जाएगा। वन रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि पिछले दिनों सपलोड़ी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बना लिया था। वहीं महिलाओं की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश था। इसे पकड़ने के लिए गांव में 3 पिंजरे लगाए गए थे, उसके बाद इसे पकड़ा गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। सूचना दी गई कि ग्वारीगाल भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहाँ पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलदार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलदार पूर्णतः स्वस्थ है, और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा, उनको मैंने पत्र भेज दिया है।